9 तारीख को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द कैनिंगटन ओवल लंदन में अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का दूसरा मैच खेलने वाली है। भारत का ये वर्ल्ड कप कैंपेन का दूसरा मैच होगा तो वही ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा मैच होगा। तो आज इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह की प्लेइंग 11 भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों की रहने वाली है। दोस्तों लगभग 95% हम करेक्ट प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं और सारी डिटेलिंग के साथ बताएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो भाई फटाफट वर्ल्ड कप फैन क्लब का हिस्सा बन जाइए। फैन क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना होता है। तो यहाँ कहीं नीचे से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 की, क्योंकि पिछला मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम का बैटिंग कोलैप्स हो गया था, उनकी बल्लेबाजी की शुरुआती क्रम नहीं चला था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर्स की बात करें तो दो ओपनर्स कन्फर्म्ड हैं और ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, एरन फिंच और डेविड वार्नर। डेविड वार्नर पूरी तरीके से तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ स्पेशली डेविड वार्नर एक अलग रंग में दिखते हैं। इनके रिकॉर्ड पूरी तरीके से पलट जाते हैं, इनके भारत के खिलाफ आप ओडीआई के रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, तो ये बहुत डेंजरस प्लेयर होंगे। और अगर इनका विकेट अर्ली गिरा लिया भारतीय गेंदबाजों ने तो मुश्किल में पड़ जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो ये थे दो ओपनर्स। अब बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि यहीं पर सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना वो पूरी तरीके से स्मिथ और वार्नर पर डिपेंडेंट दिख रही है, इनकी बैटिंग पूरी तरीके से डिपेंडेंट दिख रही है। यहाँ मिडिल ऑर्डर भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ उतरेंगे, नंबर 4 पर भाई उस्मान ख्वाजा उतरेंगे और नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे। हालांकि क्योंकि बैटिंग कोलैप्स हुआ था ये शायद एक दो चेंज करने की कोशिश करें। शॉन मार्स एक ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जिसकी एंट्री मिडिल ऑर्डर में हो सकती है, शायद उस्मान ख्वाजा बाहर बैठना पड़ जाए उन्हें, तो ये एक बदलाव सजेस्टिवली हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो सकता है। उसके अलावा कोई बदलाव मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं करने वाली है। तो ये तो था भाई ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर। अब बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर की, क्योंकि लोअर ऑर्डर क्लिक किया है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत भी है। लोअर ऑर्डर में दोस्तों बात करें तो नंबर 6 पर उतरने वाले हैं एलेक्स कैरी, जिन्होंने पिछले मैच में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, बेहतर परफॉर्मेंस दी थी दूसरे बल्लेबाजों से। तो वही नंबर 7 पर उतरेंगे मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस भी एक अलग रंग में दिखते हैं जब वो भारत के खिलाफ खेलते हैं, और आईपीएल का एक्सपीरियंस इन्हें जरूर काम आएगा। तो ये दो खिलाड़ी हमें लोअर ऑर्डर या लोअर टेल में खेलते हुए नजर आएंगे, और इस तरह का बैटिंग मिड बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम उतारने वाली है। अब बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम के 4 प्रॉपर टेल एंडर्स की, या ये कहें 4 प्रॉपर बॉलर्स की। तो जो कैनिंगटन ओवल की पिच है ना, यहाँ पर थोड़ी सी मदद हमें तेज गेंदबाजों को जो है देखने को मिलेगी कि पेसर्स के लिए गेंद मूवमेंट करेगी। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया वैसा ही कॉम्बिनेशन उतार सकता है जैसा वो अमूमन उतार रहा है पिछले 2 मैचों में, वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस तरह से उतरे थे 3 पेसर्स 1 स्पिनर्स, एडम जैम्पा एक स्पिनर होंगे पेसर्स के रूप में, आपके पास कुल्टर नाइल उतरेंगे, पैट कमिंस उतरेंगे और मिचेल स्टार्क उतरेंगे। इससे बेहतर ऑप्शन इनके पास लिस्ट में है नहीं। हालांकि जाय रिचर्डसन जो है वो मौजूद है, उनकी एंट्री मुझे सजेस्टिवली लगता नहीं है कि टीम में होने वाली है। तो ये 11 खिलाड़ी जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ साइड में भी देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे भारत के खिलाफ। एक बदलाव होगा तो होगा, अमूमन ऐसी ही प्लेइंग 11 आप जो मैच होगा उसमें भी खेलती हुई नजर आएगी। तो भाई ये तो देखिए आपने ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, क्योंकि पिच के आधार पर जो कैनिंगटन ओवल की पिच है ना उसके आधार पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो ओपनर्स की बात कर लेते हैं, तो ओपनर्स के रूप में तो यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि इससे बेहतर ओपनर भारतीय टीम को मिलेंगे नहीं। रोहित शर्मा शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर मिडिल मेडल हो सकता है। केएल राहुल ने पिछले मैच में शुरुआत मिली थी नंबर 4 पर, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, खैर उन्हें जगह मिलने ही वाली है। नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर केएल राहुल और नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे। धोनी जैसा मैंने कहा था आपको कि ही इज गोइंग टू बी द ट्रम्प कार्ड फॉर टीम इंडिया, क्योंकि वो जिस जगह पर उतर रहे हैं ना वो हर मैच में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये मिडिल ऑर्डर रहेगा भारतीय टीम का, लेकिन लोअर ऑर्डर बदलाव हो सकता है अगर मूवमेंट मिलती है, अगर पिच रिपोर्ट में देखने को मिलता है कि तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि केदार जाधव के स्थान पर विजय शंकर की एंट्री नंबर 6 पर हो सकती है। तो ये सजेस्टिव चेंज तभी रहेगा जब पिच के अंदर मदद मिलेगी, क्योंकि पहला मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था उसमें भी यही कहा जा रहा था कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन एट द एंड स्पिनर्स को मदद मिली। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये बदलाव हमें देखने को मिल जाए, और नंबर 7 पर तो हार्दिक पांड्या उतरने ही वाले, उनकी जगह कहीं नहीं जाएगी।
तो अब भाई अब बात कर लेते हैं चार प्रॉपर टेलेंडर्स की। यहाँ पर भी बदलाव संभव है। यजवेंद्र चहल की जगह कोई नहीं ले सकता, जसप्रीत बुमराह की जगह कोई नहीं ले सकता, इन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया है। अब दो जगह बचती है भाई, और अगर पेसर्स को मदद मिली तो आपको एक अच्छा पेसर चाहिए होगा। शायद भुवनेश्वर कुमार को बाहर बैठाया जा सकता है या फिर कुलदीप यादव को बाहर बैठाया जाए। अगर भारत दो स्पिनर्स कॉम्बिनेशन के साथ गया तो कुलदीप चहल को जगह तो मिलेगी ही मिलेगी। एक पेसर आपके बुमराह होंगे, विजय शंकर भी पेस बॉलिंग कर लेंगे नंबर 6 पर, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या भी होंगे। एक बदलाव हो सकता है कि शायद भुवनेश्वर कुमार के स्थान पर शमी की एंट्री हो जाए। ये बहुत कम चांसेस वाला बदलाव है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए क्योंकि शमी बहुत प्राइम फॉर्म में समय चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के खिलाफ शॉर्ट बॉल काम की है वेस्टइंडीज की, तो शायद ये एक बदलाव हो सकता है। तो ये 11 खिलाड़ी जो आप अपनी साइड में भी देख पा रहे होंगे, ये हो सकते हैं भाई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा, जो 9 तारीख को मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोस्तों आपके हिसाब से किस तरह की प्लेइंग 11 रहेगी ऑस्ट्रेलिया भारत दोनों ही टीमों की, कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी अपनी प्लेइंग 11 लिख दीजिए। और कमेंट बॉक्स सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है माइग्रेट प्रोडक्शन का, तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट पढ़ा भी जाएगा और एडमायर भी किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।